फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज अनदर वीडियो ऑन वैगनआर बेसिक। फ्रेंड्स वैगनआर बेसिक में मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाने वाला हूं जो हमारी फ्यूज़ के कारण होता है। फ्यूज़ अगर चला जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो आज इसी पे एक वीडियो ये हम बना रहे हैं। तो ये देखिए डैशबोर्ड पर सारी लाइट आ रही है और गाड़ी में सारे सिस्टम इलेक्ट्रिक काम कर रही है, सिर्फ 12 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जर है ये काम नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट आनी चाहिए, नहीं आ रही, मतलब इसमें कोई फ्यूज़ या इलेक्ट्रिक वायरिंग ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप पहला जो स्टेप है वो फ्यूज़ चेक करें। अब फ्यूज़ कहाँ पर होता है वो आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ। ये वैगनआर कार है, के सीरीज़ हमारी मारुति की गाड़ियों में यहाँ पे दो फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ होता है, एक गाड़ी के केबिन के अंदर और एक बॉनेट में दिया हुआ होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो अंदर का पार्ट है अगर वो काम करना बंद कर देता है, ये स्टीरियो है या तो फैन है या तो कुछ भी इनर साइड का, तो आपको पहले जो केबिन के अंदर फ्यूज़ बॉक्स रहता है उसको चेक कर लेना चाहिए, फिर बाद में बाहर जो बॉनेट में है उसे आपको चेक करना चाहिए। तो आइए दिखाता हूँ कि ये फ्यूज़ बॉक्स कहाँ पे होता है। तो ये वैगनआर में हमारा ये ड्राइवर साइड है, यहाँ नीचे में फ्यूज़ बॉक्स होता है। ये देखिए ये फ्यूज़ बॉक्स, यहाँ पे देख के ही पता चलता है कि फ्यूज़ ख़राब हो गया है, मेल्ट हो चुका है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये फ्यूज़ आप किसी प्लायर की हेल्प से निकाल सकते हो, ऐसे इस तरीके से उसको बाहर की ओर खींच रहा, ये पूरा मेल्ट हो चुका है। ये देखिए मैंने फ्यूज़ निकाल लिया है, इस तरह का है और ये देखने में लग रहा है 10 एम्पियर का है ये वाला, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे और फिर देखते हैं हमारा जो 12 वोल्ट का सॉकेट है सिगरेट होल्डर काम करना शुरू हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स आगे बॉनेट में जो फ्यूज़ बॉक्स होता है उसमें स्पेयर दिया हुआ होता है, तो हम उसी में से यूज़ कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बॉनेट में, एक दो फ्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, पर अगर हो सके तो अगर ये पार्ट खुलता है तो हमको आसपास का सारा जो फ्यूज़ है उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो ये है हमारा फ्यूज़ बॉक्स, इसके ऊपर में जो कवर है इसमें स्पेयर दिया हुआ होता है, इसमें 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर और 30 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ पे स्पेयर में पड़ा हुआ होता है। तो जो भी आपको रिक्वायर है वो आप इसी तरह से ले लीजिए और जहाँ पे इसी ज़रूरत है वहाँ। तो हम सिंपली जो फ्यूज़ है इसमें डाल देंगे। बस प्रेस कर देना है आपको। अब चेक करते हैं कि हमारा होल्डर काम करना शुरू हुआ है कि नहीं। इग्निशन ऑन करते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब हमको अभी दूसरा फ्यूज भी चेक करना पड़ेगा। तो ये दिखाता हूँ दूसरा जो फ्यूज़ होता है कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ही सिम, सिम वाली जगह पे ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये वाला आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा ये जो है मेल्ट हो चुका है, ये के और एक 10 एम्पियर और एक 30 एम्पियर, तो हम ये सारे फ्यूज़ रिप्लेस करेंगे। ये हमारा कवर है, इसमें जो ये ACC लिखा है 15 एम्पियर का, ये ACC वो वाला फ्यूज़ खास करके 12 वोल्ट ये जो सिगरेट होल्डर है उसके लिए होता है, तो हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे। तो मैं बहुत सारा फ्यूज़ लेके आया हूँ स्पेयर 10, तो ये वाला हम चेंज कर दिए है, खास करके वो जो ACC लिखा हुआ फ्यूज़ था वही उसका कारण था
जो हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट बंद हो गया था। तो ये देखिए, ये मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, यहाँ पे लाइट आ गई है। ये हमारा 12 वोल्ट का जो सिगरेट होल्डर है वो काम करने लगा है। मतलब मैंने आपको दिखाया कि वो ACC लिखा हुआ जो फ्यूज़ था वही इसका कारण था, मैंने वो चेंज कर दिया और ये हमारा काम करने लगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, और हमारी ऐसी वैगनआर पे बेसिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।